Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Imani and you are watching First Rooms by Bibi. And सबसे पहले तो happy होली in advance, क्योंकि होली आने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए. And उसके साथ साथ हमारे सब घरों में शुरू हो जाती है होली की तैयारियाँ. तो हमारे घर में भी स्टार्ट हो चुकी है होली की तैयारियाँ. और सबसे जो इम्पॉर्टेंट एंड सबसे पहली चीज़ें बनने वाली दो चीज़ होती हैं, एक होती है हमारे यहाँ कांजी और दूसरी होती है गुजिया. तो कांजी की तो शुरुआत हो गई, बिकॉज हमारे यहाँ पहले से ही बहुत गेस्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग कांजी फटाफट हम लोग डाल देते हैं. उसको फर्मेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसको पहले होली के कुछ दिन पहले हम लोगों को बनानी पड़ती है. एंड बहुत ही ज़्यादा यमी सार पंजेंट टेस्ट की ये होती है ड्रिंक. एंड बहुत मज़ा आता है होली वाले दिन तो स्पेशली, इसको पी के अलग ही नशा होता है एंड बहुत अच्छा लगता है. जो गेस्ट आपके पास एक बार अगर जिसने पी ली ना कांजी आके, वो हर साल यही उम्मीद से आएंगे कि आप लोग कांजी ज़रूर उनको पिलाएंगे. तो ज़रूर बनाइएगा आप अपने गेस्ट के लिए एंड उनको याद रखने पे वो मजबूर हो जाएं आप लोगों की कांजी, ऐसी कांजी बनाइए. मैं वैसी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. बहुत टेस्टी बहुत यमी बनती आ रही है कांजी एंड हमारे नेबर्स हमारे यहाँ आके इसको पीते हैं, उनको पता है कि इस घर में तो कांजी ज़रूर मिलेगी. तो उसी हिसाब से इस बार हम लोगों ने कांजी प्रिपेयर करी है. बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने प्रिपेयर करी है, बट आपको जो मैं दिखाऊँगी दैट विल बी कम क्वान्टिटी वाली. मैं आपको दिखाऊँगी मेथड कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोसेस है सारा. एंड हेल्दी भी होती है ये, साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, खट्टी होती है तो गले पे ज़्यादा इफेक्ट ना करे. मौसम वैसे ही चेंज वाला मौसम होता है, जिसमें चेंजिंग्स आ रहे होते हैं, हम लोग गर्मी की तरफ आ गए होते हैं, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है. बाकी मस्त इन्जॉय करके इसको पीजिए. एंड ये पूरी सीरीज़ है होली की, तो आपको अभी कांजी की रेसिपी मिल रही है, आके दही बड़ी की है और गुजिया की रेसिपी है. बहुत सारी मैं आपको कुछ ट्विस्ट वाली तरीके से आप लोगों को नॉर्मल से हटके, क्योंकि सबको नॉर्मल आता है, थोड़ा सा हटके मैं आप लोगों को रेसिपीज़ दूँगी. तो आप ज़रूर मेरे चैनल के साथ बंधे रहिए एंड मुझको लाइक बटन जरूर आप दीजिए. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन ऑल्सो. डू शेयर दिस रेसिपी विद एवरीवन, ताकि आप भी दूसरों के घर जाके कांजी एंजॉय कर सकें. एंड स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द रेसिपी. गाजर की कांजी और ब्लैक कैरेट कांजी इज अ ट्रेडिशनल पंजाबी फर्मेंटेड ड्रिंक दैट इज मेड इन विंटर्स. ब्लैक कैरेट अपीयर इन विंटर नॉर्दर्न इंडिया एंड यही है जो कांजी को कैरेक्टरिस्टिक्स देती है पर्पल या मेरून कलर की. अगर आपके पास गाजर नहीं है तो यू कैन यूज बीट रूट. जो कांजी होती है बेसिकली इसलिए भी हेल्प करती है क्योंकि वो आपकी जो बॉडी होती है उसको वार्म रखती है चिली विंटर्स में नॉर्थ की. यू कैन ऑल्सो एड सम टर्निप्स टू कांजी इफ़ यू प्रे. कांजी जो होती है उसके लिए यू नीड ब्लैक कैरेट. उसको आप बहुत अच्छे से पील करेंगे, वॉश करेंगे अच्छे से एंड फिर उसको लंबा लंबा कट करेंगे. अगर आपको आपके एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धूप है तो ये 3 से 4 दिनों में भी हो जाती है, बट अगर हल्की धूप है, कभी बादल कभी बारिश, तो इट विल टेक 4 to 5 डेज. कांजी ड्रिंक एक एपेटाइज़र के लिए यूज़ होती है, खट्टी होती है, स्पाइसी होती है एंड पंजेंट टेस्ट की होती है. अगर आपकी आप इस गाजर को एज अ पिकल भी यूज़ कर सकते हैं, साइड पिकल मेन कोर्स के साथ, चाहे वो दाल चावल हो चाहे रोटी सब्जी हो. और बहुत ही ज़्यादा इसका फर्मेंटेड फ्लेवर आता है, ट्राई करिएगा. हम लोगों ने मैंने आपको दो तरीके से कट करके दिखाई, एक तो हाथ से कट करके दिखाई है, ऊपर से ये ऐसे कट करने वाला है, उससे भी आप लोग कट कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसी है तो. इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की पसंद है. ये मुंह में भी आ जाती है कभी कभी पीते पीते, तो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसको कट कर सकते हो. मैंने आपको दोनों तरीके से दिखा दिया. जो हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट दैट इज मस्टर्ड पाउडर. पाउडर के लिए यू कैन टेक सीड और उसको ब्लेंड कर सकते हो मिक्सी में. मैंने तो यहाँ सीड लिया, उसको ब्लेंड किया है एंड अब मैं आप लोगों को बताती हूँ फटाफट कि इसका रेशो क्या होता है. आपको अगर 1 किलो गाजर है आपके पास तो 4 लीटर पानी लगेगा, 4 चम्मच आपको मस्टर्ड पाउडर के लगेंगे एंड 2 चम्मच काला नमक के. ये रेशो अगर आपके पास है, आपको कॉपी कर लो इसको कहीं, आपकी हमेशा कांजी परफेक्ट बनेगी. यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड को पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है और अब मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ हमारी फेमस एंड फेवरेट एंड टेस्टी कांजी. और आपको देखिए प्रोसेस, अगर अच्छा लगे तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा एंड हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको हमारा जो रेसिपी है वो कैसी लगी. सबसे पहले मैंने ग्लास जार लिया है, उसमें मैंने कट करके जो रखी हुई थी ब्लैक कैरेट वो मैंने डाल दी है. मैंने दोनों जगह डाल रही हूँ मैं, तो आप नाप के देखिएगा. जो मैंने रेशो बनाया है उस बताया है उसी के हिसाब से एंड मस्टर्ड पाउडर एंड लास्ट में मैंने डाली है ब्लैक सॉल्ट और उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ पानी. जो मैंने हिसाब बताया उसी रेशो से करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आधा आधा कर दिया है. गाजर पूरी 1 किलो नहीं है तो मैंने उस हिसाब से रेशो बनाया है. अगर आप आधा किलो
गाजर ले रहे हैं, दोबारा मैं बता देती हूँ, तो आपको 2 लीटर पानी की ज़रूरत है, 2 चम्मच मस्टर्ड पाउडर के और 1 ही चम्मच उसमें ब्लैक सॉल्ट डलेगा, तो आधा रेशो हो गया बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं राई ऊपर तैर रही है और इसको अभी हमको 4 से 5 दिन लगेंगे क्योंकि मौसम हमारे अभी एरिया का सही नहीं है, कभी धूप कभी बारिश। और आप देख सकते हैं पूरा जो मस्टर्ड पाउडर है वो साइड में भी लग गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मटका, 2 हमने बनाया था इसमें एंड इसमें, बट इस दोनों को हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है इसमें। द रीज़न इज़ हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आएंगे एंड फॉर दैट वी नीड लाइक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कांजी की, तो दैट इज़ द रीज़न वी ट्रांसफर्ड कांजी इसमें जो बनाई थी। दैट इज़ जस्ट टू शो यू गाइज कि कितना हम लोगों को क्वांटिटी लेना है गाजर का, पानी का, जस्ट लाइक सिंपल रखने के लिए आप लोगों के लिए। बट इस वाला जो टैंक आपको दिख रहा है यहाँ तक हाफ फुल है ये, तो इसमें पूरी कांजी भरी हुई है एंड जिस दिन हम लोग पिलाएंगे लोगों को तो उस दिन हम लोग टैप खोल के उसमें से कांजी डाल देंगे। एंड हमारा कपड़ा आ चुका है, ये बहुत ही ज़्यादा मलमल का सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, प्लस एक हम लोगों को बांधने वाला लेना है कुछ इसके लिए, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इससे नहीं होगा बिकॉज हम लोगों को एयर टाइट रखना है इसको, तो कोई भी बर्तन आप लेते हैं वो हमेशा एयर टाइट बर्तन होना चाहिए, चाहे एयर टाइट डब्बा होना चाहिए, बट सिर्फ जो कांजी होती है या तो मिट्टी के घड़े में बन सकती है या फिर कांच के बर्तन में, तो ये भी मिट्टी का था, ये कांच का था। फाइनली जो प्रॉपर जो वो होती है कांजी जो बनती है वो ऐसे घड़े में बनती है, तो पूरी कोशिश करो आप इस तरह में इसको फर्मेंट होने दो एंड काफ़ी दिन लगते हैं, मैं पूरा बताती हूँ आपको कितने दिन लगते हैं, बट पहले इसको हम लोग टाई करके इसको परमानेंट क्लोज कर देते हैं, धूप लगने देंगे, ये हम लोगों ने आउटडोर में रखा हुआ है ताकि अच्छी खासी धूप पड़ पाए इस पर। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बांधते कैसे हैं। ये जो मटका है ये बंध चुका है एंड अब इसको हम लोग रख देंगे बिल्कुल, होली के दिन हम लोग खोलेंगे, मैं उस दिन दिखाती हूँ आपको कैसे कांजी बनती है। जो प्रोसेस है वो हमारा पूरा हो चुका है, दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर, एंड आगे आने वाले में पूरी होली सीरीज आप लोगों को मिलेगी।